तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरी एग्जाम्स चल रही है ना, इसलिए मेरा थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे चल रहा है एंड मैंने दो तीन दिन से वीडियो भी नहीं डाली है। तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड इस वीडियो पर कमेंट भी कर दो ताकि यूट्यूब थोड़ी मेरी रीच बढ़ा सके। एंड प्लीज़ इसीलिए एक लाइक कर दो एंड दो तीन अच्छे से प्यारे से कमेंट भी कर दो। एंड हमारा 22,200 सब्सक्राइबर्स का गोल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो जायरो गॉड है वो बहुत दिनों बाद एक्टिव हुए, मतलब उन्होंने बहुत बाद अपने एक T1 टाइप का मॉन्टेज डाला था अपने YouTube और Instagram पे एंड वो TX के साथ खेल रहे थे। तो बहुत लोगों को ये लग रहा था कि वो TX ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसी पे उन्होंने मावी ने रिप्लाई किया है। एंड मावी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि उनकी जो लाइनअप है वो कब तक फाइनल हो सकती है, कब तक अनाउंसमेंट हो सकती है। तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चैट पहले क्लियर कर दूं, अभी कहीं गायरो को बोलने लगा ये ट्रैप को भी ट्रैप में जाने आया। कोई बंदा नहीं है, मुझे मिल गया। जा रहो जल्दी से राइट से लेना स्टार्ट कर, उसका बता देंगे। कर रहा भाई, जा रहा हूं फाइनल बता देंगे भाई। ट्राई रोड का मैं कैसे बोल बोल के नहीं ले सकते, समझ रहे हो बात है। चीजें बहुत सारी डिपेंड करती है, तो इसीलिए सीधा जो भी होगा बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। जो आपको रोज खेलते दिख रहे उन्हीं में से एक बंदा खेलेगा या कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अज्यूम करना बंद कर दो। बस ये रखो कि महीने के अंत तक आपको हम लोग लाइनअप फाइनल बोल देंगे। अभी सब टूर्नामेंट चल रहा है, जो भी अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की उसके हिसाब से हम लोग को पिक करना। लेवल 2 वेस्ट है क्या? ये हेलमेट है क्या? पांच एड्रेस पांच हो गया। नहीं गाइस, एड्रेस की तो भी बात ही नहीं है। आई गॉट सप्लाइज। लाइन से क्वेश्चंस को रिप्लाई मत कर, बाकी देख। नहीं वैसे बोल रहा हूं, काफी देर से बता रहा हूं। मैं बोला कि एडमिशंस मत लो यार। जॉइनिंग TX। अरे हां तो ओके भाई। हेलो निंजा, मैं बताने वाला था आपको कि एक्चुअली क्या सीन है, मुझे बुलाया गया था बस खेलने के लिए, उनके पास प्लेयर्स नहीं था। तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे ट्रायल्स चल रहे हैं या कुछ भी, अगर ट्रायल्स वगैरह होंगे या कोई भी टीम में डन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोग को। TX मीन्स टीम एक्सेस पार्क्स क्या, हाँ वो ऐसे ही बुलाते हैं सबको ट्रायल्स के। अरे यार तुम लोग तो यार बात को ना घुमा देते हो कसम से। काइलो ने भी यही बोला था, तो काइलो है क्या अभी TX में? नहीं है ना, तो फिर समझ रहे आप, तो मतलब नॉर्मल खेलने के लिए बुलाया जाता है यार। क्या ही महाराज, स्क्रीन से मैं टीम के साथ कंसिस्टेंसी अच्छी थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, करते हैं और अच्छे से कल खेलेंगे स्क्रिम्स। पता नहीं ब्रो, मैं भी फिक्स नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, ऐसे ना समझ रहे हो। आज तो मशा दिया रे बाबा। अरे यार शिफू ऐसा मत बोल यार, मशाए कहाँ है अभी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दोस्त रिकॉल पे बंदे बताएंगे। जायरो ये TX जायरो हो गया क्या? नहीं तो नहीं हुआ भाई, गाइस नहीं हुआ। अभी कहाँ कुछ, अभी ट्रायल्स वगैरह होंगे तब तो कुछ होगा ना भाई। आज खेल लिया ना तो everybody's like, साथ खेल के कैसा लगा? बहुत अच्छा यार। चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बात कर लेते हैं। मतलब ये कोई न्यूज नहीं है, नॉर्मल सा मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने भी रिसेंट कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 5 से 6 ऐसे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स के मतलब अनाउंसमेंट देख लिए जो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है विद द मैसिव प्राइस पूल ऑफ 15 लाख या 20 लाख। मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स जो पहले होते थे वो है ना, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ऐसा टूर्नामेंट होता है या फिर दिन में 2 बार ऐसे टूर्नामेंट चलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने टूर्नामेंट जो रेगुलरली हो रहे हैं उससे थोड़ा क्रेज एंड एक्साइटमेंट कम हो रहा है इन मैचेस को देखने में, या फिर आपको लगता है कि इतना मैसिव प्राइस पूल है तो एक्साइटमेंट उतना ही रहता है? तो इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चलिए अपने अगली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिड जब लाइव आए थे तो उन्होंने अपने सेकेंड चैनल जो कि सिड रिएक्ट्स, उसकी अर्निंग के बारे में बात करी थी। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिलता है डोनेशन, सुपर चैट नहीं कह रहा मैं, सिर्फ एक वीडियो का, वीडियो जो अपलोड करते हैं 500 के व्यूज आए तो मेरे को सिड रिएक्ट चैनल पे 1.5 से 2 लाख रुपए निकलता है एक महीने में, इतना बता सकता हूँ। जाके अभी देख लो कितने व्यूज है उस पे, अप्रोक्सीमेटली। एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रौनक जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे वाइपर के साथ टीम बनाने के ऊपर, एंड इस पर उन्होंने रिएक्ट किया। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तो अपन सारे जमी के साथ है बट आगे का तो मेरे को सच में, मेरे को खुद को नहीं पता। देखो ई स्पोर्ट्स के इसमें तो कंटिन्यू करना है, अभी फिलहाल के यहाँ पर जितना खेलने मिलेगा उतना अपन अभी खेलेंगे और प्रूव करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कहीं और, बट अभी फिलहाल के लिए तो है यहाँ पर। अपना खुद का एक टीम बनाओ, अभी यहाँ खेलेंगे ऐसे कस्टम्स।
गुरशन सिंह अभी सीन तो ऐसा है कि ओवेस तो निकल जाना, तुम निकल जाना, उसका टीम का सीन है वाइपर का तो आई डोंट नो, पर तो उसके बाद अपन देखेंगे अगर खेलने का कुछ लेफ्ट से जाओ ना पूरा टीम बनाएंगे जा रहे हो टीम का तो भी अपन और भी देखेंगे एक ऑप्शन देख कर करेंगे भाई। अरे यार और तो ट्राई कर रहा हमारा भाई अभी उठाने लग गया तो गन नहीं ऊपर कर दी उसने, बाकी जब यहाँ टाइम मिले खेलने का मतलब यहाँ चांस मिले तो यहाँ भी खेलेंगे तब तक कहीं और एंड अपनी अगली उसके बाद बात कर लेते हैं। तो मैशकस से वापस पूछा गया उनके और के अनाउंसमेंट के बारे में एंड इस बार भी उन्होंने वही जवाब दिया है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी है एंड दो तीन दिन में अनाउंसमेंट हो सकती है एंड दो तीन दिन में काम भी पूरा हो सकता है। तो अब देखते हैं कि उनकी अनाउंसमेंट हमें सही में दो तीन दिन में देखने को मिलती है या फिर हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाइपर बात कर रहे थे जो सोल सीनियर लाइनअप है, मतलब जो उन्होंने नाम दिया इस लाइनअप को, जो सोल की सेकेंड लाइनअप हो सकती है जो फन वे में स्क्रीम्स खेलेगी, इस पर उन्होंने बात करी। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल टू सीनियर सोल प्लेयर्स आर वेरी सीनियर, सो इट विल टेक सम टाइम, दे आर वेरी वेरी एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो घातक ने बात करी थी ज़ीगॉड के ऊपर कि ज़ीगॉड का क्या फ्यूचर हो सकता है गॉर्डल की मेन लाइनअप के अंदर, इसके साथ साथ उनको रेस्ट क्यों दिया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों का रिप्लाई करा था घातक ने। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाई टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली सैड होगा ना कोई, क्यों क्यों मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा मतलब खेल रहा है एकेडमी लाइनअप में जो सेकेंडरी लाइनअप में, तो ऑब्वियसली हर बंदा सैड फील करेगा ना, लेकिन वो रियलाइज होना भी ज़रूरत है ना कि भाई मारना है, ठीक है सारी चीज़ों का मतलब। देखो क्या होता है ना, एक परफेक्ट टीम कब बनती है कि सबको अपना अपना रोल उसको पता चलना चाहिए, कैसे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। आपको बस अभी आप परफॉर्मेंस पे फोकस करो, ज़ीगॉड बहुत जल्दी कमबैक करेगा और मुझे वो बंदे पे पूरा भरोसा है कि एक महीना मैक्सिमम एक महीना उसके बाद वो बंदा फुल पावर परफॉर्मेंस देगा। देखो आप बस मतलब सोच समझ के ब्रेक दिया ना उसको भी हम लोगों ने मेन में। एंड चलिए अपनी लास्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि अभी ओआर की चैंपियनशिप के बाद थोड़ा मैटर हो गया था माय टूर्नामेंट एंड माय रूल्स वाला, तो हुआ क्या था कि इस टूर्नामेंट का एमवीपी दिया गया था टीएसएम के निंजा को, जबकि हाईएस्ट स्किल थे अक्षत के। एंड बेसिकली इस टूर्नामेंट का रूल यही था कि जो भी टीम जीतेगी उसमें जिस भी प्लेयर के हाईएस्ट स्किल होंगे उसको एमवीपी का टाइटल दिया जाएगा, एंड जो भी प्राइस पूल था एमवीपी का शायद 50,000 था वो भी दिया जाएगा। एंड ये टाइटल दिया गया था निंजा को, इसी के बाद सोल के प्लेयर्स ने इस पर रिएक्ट भी किया था। एंड जब अमन लाइव आए थे तो उन्होंने इस चीज़ पर बात करी, इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि एक सोल में एक नया चेंज होने वाला है जो कि शेड्यूल से रिलेटेड होगा, मतलब जो भी वो मैचेस खेलने वाली है उससे रिलेटेड होगा। उन्होंने बताया कि वो शायद लिमिटेड टूर्नामेंट्स ही खेलेंगे एंड वो शॉर्टलिस्ट करेंगे टूर्नामेंट्स को। तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हो जाएगी ओके अमन प्रो ओआर चैंपियनशिप एमवीपी को क्या मैटर है, व्हाई अक्षत नॉट गेट एमवीपी, बताया तो सही, माय इवेंट्स माय रूल। अगर मैं भी मेरा इवेंट करूंगा तो शायद मैं किसी को भी एमवीपी दे सकता हूँ, शायद मैं ऐसा भी रूल बना सकता हूँ कि जो सबसे कम किल करेगा इवेंट में मैं उसको एमवीपी दे सकता हूँ, ऐसा भी कुछ हमारे इवेंट है भाई। मैं अगर इवेंट बनाऊंगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शायद मैं सबसे लास्ट वाली टीम को प्राइस पूल सबसे ज़्यादा दूँ और शुरुआत में मैं आपको प्राइस पूल ही अनाउंस करूंगा। हैशटैग वन का हम आपको 4,00,000 रुपये देंगे, हैशटैग टू का 2,00,000 रुपये देंगे और हैशटैग थ्री का हम आपको 1,00,000 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हैशटैग ऊपर से वन था कि हैशटैग नीचे से वन था, ओके सो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि शायद हैशटैग नीचे से वन वाले को मैं 3,00,000 रुपये प्राइस पूल दूँ क्योंकि वो मेरा इवेंट है ना ब्रो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों भाई पर क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसा बोलूंगा स्ट्रीम मतलब ऐसा अनाउंसमेंट करूंगा हैशटैग वन हैशटैग टू हैशटैग थ्री को 3,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताऊंगा कि मैं ऊपर से वालों को 2,00,000 रुपये दे रहा हूँ 3,00,000 रुपये दे रहा हूँ या नीचे से फर्स्ट आने को 2,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये दे रहा हूँ। तो नीचे से टीम आएगी उनको दूंगा भाई, मेरा इवेंट है भाई, मैं कैसे भी रूल्स अनाउंस करूँ, ना नहीं चेंज करते हैं ना, सीधी सी बात है ना, ठीक है भाई 6,500 पे क्या, अच्छा क्या कर सकते हैं ना आप, नहीं नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमको कौन सा इवेंट खेलना है कौन सा इवेंट नहीं खेलना है, क्योंकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, टीम का है वैसे स्टैंडर्ड लेकिन अब ऐसा भी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट जो है खेलना है टीम को कि कौन सा नहीं खेलना है। सो आपको अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेजर इवेंट हो लेकिन आपको हमारी टीम नहीं दिख रही हो, क्योंकि अब जरूरी है भाई, क्योंकि अब नाम से चीज़ें चल रही, क्योंकि
लोग कुछ भी कर रहे हैं, अनऑफिशियल इवेंट होता है तो कुछ भी हो रहा है, तो लिटरली पूरा चेंज ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। सो इट्स बेटर के अब इवेंट्स जो है वो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि बार बार लगातार टीम अगर खेलती भी रहेगी और ब्रेक नहीं मिलेगा ना, तो परफॉर्मेंस पे भी बाद में मेन इवेंट में इशू होता है। सो जो भी है लेट्स गो, एंड बस आज की वीडियो को ये खत्म कर लेते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड वही रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दो, एंड दो तीन अच्छे से प्यारे से कमेंट कर दो, एंड हमारा 22,200 सब्सक्राइबर्स का गोल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।